एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करे अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। कोरोना का खतरा अब दहलीज पार कर हिंदुस्तान के अंदर पहुंच चुका है। 170 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए खतरा दूसरे देशों से कहीं ज्यादा है। देश के कई राज्यों तक कोरोना अपने पांव पसार चुका है। हालांकि भारत में कोरोना भी स्टेज 2 पर है, लेकिन खतरे का अलार्म बज चुका है। जिन देशों में कोरोना स्टेज 2 में पहुंचा है, उसके बाद इसका फैलाव ज्यादा तेजी से हुआ है। भारत सरकार ये बात अच्छी तरह से समझती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी कोरोना का वायरस कम्युनिटी स्तर पर नहीं फैला है, लेकिन जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हालात को काबू में करना बहुत जरूरी है, वरना विदेशों की तरह ही यह महामारी हिंदुस्तान को भी अपनी जकड़ में ले लेगी। चुनौती बड़ी है, ये इम्तहान भारत के लोगों और यहाँ की सरकार का साझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात को समझ रहे हैं और यही वजह है कि आज रात 8 बजे वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री अब से पहले 3 बार राष्ट्र के नाम संबोधन जारी कर चुके हैं। पहली बार नोटबंदी के वक्त, दूसरी बार अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी पर और तीसरी बार अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर। ये तीनों ही फैसले उनके कार्यकाल में लिए गए बड़े फैसले थे। जाहिर है अब कोरोना पर जब मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो कुछ कड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। अपने संबोधन में मोदी कोरोना पर अब तक सरकार के उठाए कदमों की जानकारी दे सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, टेस्ट सेंटर और आइसोलेशन सेंटर्स की जानकारी दे सकते हैं। जनता से सावधानी और हिम्मत रखने की अपील कर सकते हैं। कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों में पूरी तरह लॉकडाउन का ऐलान भी हो सकता है। विदेश आने और जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में कारोबारी प्रतिष्ठानों और सामुदायिक कार्यक्रमों को बैन करने की बात भी कर सकते हैं। रेलवे, फ्लाइट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी रोक लगाने का बड़ा फैसला जनता को बता सकते हैं। कोरोना को फैलने से रोकना इस वक्त सरकार की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मोदी जानते हैं कि भारत में अगर इस वायरस ने कोहराम मचाया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे और फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब तक कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार के कदमों की तारीफ WHO ने भी की है, लेकिन कातिल वायरस से इस जंग में इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। आज जब घड़ी की सुई 8 बजे पहुंचेगी, तो मोदी कोरोना को देश से भगाने के लिए अपना फाइनल प्लान लोगों को बताएंगे। जाहिर है ये जंग आसान नहीं है। इन कदमों से चोट तो लग सकती है, लेकिन कोरोना को हराना है तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी।